हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 13 यानी जो लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस का, उसको कवर अप कर रहे हैं। तो हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिनको आज हम मोस्टली कवर अप करेंगे शाम तक, जिसमें तुर्कियम का कंसेप्ट रह गया है। वो ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट उसमें नॉइज बहुत ज़्यादा आ गया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आज क्या सीखेंगे, इसमें हम रिलीजन पढ़ेंगे कि रिलीजन की मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस और थेरीज ऑफ द रिलीजन जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, एनिमिज्म, नेचुरलिज्म एंड टोटमिज्म, उसको समझेंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स में हम रिलीजियस डाइवर्सिटी, सेक्युलरिज्म को समझेंगे और फिर जो आपका रह गया है इस्लामाइजेशन, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट। पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे रिलीजन की मीनिंग क्या है। सोशियोलॉजिस्ट रिलीजन किसको बोलते हैं, देखिए। उससे पहले कि हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको पहले यह समझाऊंगा कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, जिसमें हम रिलीजन को पढ़ते हैं, जो पेपर होता है, जो आपको यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाएगा, और उसके अलावा जो रिलीजन पढ़ते हैं इस्लामिक स्टडीज, ठीक है, अरबिक्स डिपार्टमेंट, वो अलग तरीके से रिलीजन को पढ़ते हैं, और हम सोशियोलॉजी ऑफ द रिलीजन जो है वो अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, हम सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को सोसाइटी को ऑब्जर्व करके चीजों को डिफाइन करते हैं कि रिलीजन क्या है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप उससे भी ज्यादा जाओगे, क्योंकि अभी आपको सिंपल रिलीजन समझना है, लेकिन मास्टर्स के बाद आपको रिलीजन समझना है एक अलग लेवल पे, पर्सपेक्टिव में, कि फंक्शनलिस्ट वाले रिलीजन को कैसे देखते हैं सोसाइटी में। वो देखते हैं कि रिलीजन जो है ये एज अ फंक्शन करता है सोसाइटी में, ये पॉजिटिव काम करता है, ये सोसाइटी में लोगों को इंटीग्रेट करता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है, लोगों में सोशलाइजेशन ट्रांसफर करता है, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, कल्चर का मेन सोर्स है रिलीजन, तो ये पॉजिटिव फंक्शन देते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को देखेंगे, वो क्या कहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं कि रिलीजन की वजह से क्या है, रिलीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, रिलीजन की वजह से डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे मार्क्स का आपने सुना होगा, उसने कहा रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, ठीक है, ये वो ड्रग की तरह होता है जो मासेस को दिया जाता है उनकी कॉन्शियसनेस को खत्म करने के लिए। उसके अलावा अगर आप वेबर को देखेंगे, जो मैंने आपको वेबर में बताया था कि इसने मार्क्स का क्रिटिसिज्म हर किसी एंगल में, हर किसी कंसेप्ट का किया है, तो उसने कहा नहीं, आप ये नहीं कह सकते, उसने मार्क्स को कहा, जहां आपने ये बताया कि रिलीजन की वजह से मासेस रेवोल्यूशन नहीं ला पा रहे, उनमें फॉल्स कॉन्शियसनेस है, वहां वेबर ने कहा दुनिया में कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ रेवोल्यूशन आए हैं, सोशल चेंजेस आए हैं जो रिलीजन की वजह से आए, जैसे उसमें एग्जाम्पल दी जाती है इरानियन रेवोल्यूशन, ठीक है, अफगानिस्तान की चेंज, सोशल चेंज, ठीक है, जैसे उन्होंने कम्युनिस्ट को वहां हराया, फिर यूएसए को हराया, तो उसके बैक पे क्या था, रिलीजन था। तो वेबर उनको उस क्रिटिसिज्म करते हैं उस लेवल से, ठीक है। उसके बाद आपको समझना है कि रिलीजन पर्सपेक्टिव को पेट्रियार्की में, यानी फेमिनिस्ट रिलीजन को कैसे देखते हैं उन्होंने रिलीजन के, फिर पोस्ट मॉडर्न क्या कहते हैं रिलीजन के बारे में। तो ये सेकंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपको पहले कैसे समझना है, पहले आपको रिलीजन के बारे में समझना है, रिलीजन बोलते किसे हैं सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, मजहब किसको बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। तो चलिए समझते हैं, पहले हम दुर्खियम को समझेंगे, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट को, इन हिज बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये इसकी बुक है जिसने जो इसने रिलीजन पे लिखी है, डिफाइन इज रिलीजन, ये डिफाइन रिलीजन करते हैं क्या, एज ए यूनिफाइड, यूनिफाइड मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने यूनिफाइड जमा करके रखी हैं, सिस्टम, यूनिफाइड सिस्टम है ये, ठीक है, किसका, ऑफ बिलीफ्स का। तो पहले रिलीजन में बिलीफ होता है, बिलीफ आपको पता है क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बिलीव करना, गॉड एग्जिस्ट करता है, एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं, मरना है, मरने के बाद जिंदा है, इस दुनिया के बाद और एक हियर आफ्टर है दुनिया, ठीक है, वहाँ हिसाब देना है, ठीक है, कर्मा है हिंदू फिलासफी में, रीइनकॉर्नेशन है, जो आपने गलत किया वो उसका सजा आपको यहाँ मिलेगा, आपको मुक्ति नहीं तब तक मिलेगी, ठीक है। तो हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी में अलग कंसेप्ट हैं जो दुनिया के रिलीजन हैं, जुडाइज्म है, जैनिज्म है, ठीक है, तो बुद्धिज्म है, जोरेस्ट्रियनिज्म है, तो सिखिज्म है, तो ये रिलीजन जो है ये क्या है, इन सब में बिलीफ्स होते हैं, क्या है ये, सिस्टम ऑफ यूनिफाइड, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जमा करके, पहला क्या है, बिलीफ्स,
उसके बाद प्रैक्टिसेस भी हैं इसमें, आ गया बिलीफ्स, ये फिर प्रैक्टिसेस भी हैं इसमें। प्रैक्टिसेस मतलब हर कोई रिलीजन वाला आप देखोगे वो क्या करेगा, हम मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, हिंदूज कहाँ जाते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं वहाँ प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। क्रिश्चन अपने गुरुद्वारे में करते हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने प्रैक्टिसेस होते हैं रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स, लेकिन ये चीज़ें सैक्रेड थिंग्स के रिलेटेड होती है। सर सैक्रेड थिंग्स क्या होती है? सैक्रेड जिनका रिलीजन के साथ डिवाइन टच होता है। सैक्रेड मतलब होता है जैसे जिनको हम बोलते हैं होली बुक्स, मंदिर मस्जिद, ये सब सैक्रेड चीज़ें हैं। जो भी बुक्स हैं, जो भी चीज़ें रिलीजन के साथ हैं, आपका सिंबल, हर किसी रिलीजन का सिंबल, उनको हम सैक्रेड बोलते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें दुनिया में, उनको प्रोफेन बोलते हैं। ये दुर्खेम का कंसेप्ट है, सैक्रेड एंड प्रोफेन। तो क्या है इसमें? इनफाइट सिस्टम ऑफ, इसमें बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, सैक्रेड थिंग्स हैं, ठीक है। दैट इज टू से, जिसको हम बोलते हैं थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन। और उसके साथ साथ इसमें ये भी बोला गया है रिलीजन में कि व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। हर किसी रिलीजन ने अपने अपने लेवल पे बताया आपको व्हाट इज गुड एंड बैड, ठीक है, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट शुड यू कैन डू, व्हाट शुड यू कैन नॉट डू। तो ये यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स हैं, इसमें बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, सैक्रेड थिंग्स हैं, और उसमें बताया गया है फॉरबिडन क्या है आपके लिए और क्या नहीं है। आई बात समझ में? तो ये चीजें सब मिलती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलीजन बोलते हैं सोशियोलॉजी में। आई बात समझ? ओके, नाउ द सेकंड इज जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर को आपको याद रखना है, इसकी बुक जो है गोल्डन बॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी सीधे क्वेश्चन आ जाता है, जेम्स फ्रेजर की कौन सी बुक है? गोल्डन बॉग। तो इसने क्या कहा? इसने कंसिडर किया रिलीजन ए बिलीफ इन पावर सुपीरियर। इसने कहा रिलीजन एक बिलीफ है, ये आप बिलीफ रखते हैं कि ये चीज है, किस पे? पावर सुपीरियर, एक पावर है जो सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब जो इंडिविजुअल से बड़ा है, वो सुपीरियर इंडिविजुअल से है। टू मैन, किसको? मैन, मैन मतलब इंडिविजुअल को। आर बिलीव टू डायरेक्ट, ये इसको डायरेक्ट करता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से चलना है। एंड कंट्रोल द कोर्स ऑफ नेचर, और ये नेचर को भी कंट्रोल करता है। ये कौन सा पावर? सुपर पावर जिसको बोलते हैं, द कोर्स ऑफ नेचर एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। और साथ साथ ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ह्यूमन लाइफ को। किसने कहा? जेम्स फ्रेजर। सिंपल, जेम्स फ्रेजर ने कहा रिलीजन एक बिलीफ है। ये रिलीजन अगर आप देखोगे सोशियोलॉजी के लिए एक बिलीफ है, लोगों का एक बिलीफ है, ये लोग इस चीज को मानते हैं। किसको मानते हैं? एक पावर है जो सुपीरियर है, टू मैन, इंडिविजुअल से भी सुपीरियर है। विच आर बिलीव टू बी डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट करता है वेयर टू गो, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज गुड, व्हाट इज डिजायरेबल। एंड कंट्रोल कोर्स ऑफ द नेचर, ये नेचर को भी कंट्रोल करता है। एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इंसानों की जिंदगी को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। लेकिन ये है क्या? बिलीफ है लोगों में, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलीजन बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है? जैसे हम बोलते हैं हमारी सोसाइटी में लोग बोलते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ रिलीजन, इट इज बिकॉज ऑफ, इसको ये सजा मिली, उसको ये सजा मिली, इसको इसने गलतियां की, इसको इतना मिला बिकॉज ये अच्छा है, ठीक है। तो ये बिलीफ है। देन उसके बाद हमारे, छोड़िए इसको, स्वेपियर को छोड़िए, आ जाइए मैक्लिवर को। मैक्लिवर एंड पेज क्या कहते हैं? ये कहते हैं, अगर आप ये वाली डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़िए, इसको आप बाद में पीजी के बाद खुद पढ़िए, फिर आपको ये समझ आएगा। रिलीजन एज वी अंडरस्टैंड द टर्म एम्प्लॉयज अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? नॉट मियरली बिटवीन मैन एंड मैन, ये खाली रिलेशनशिप नहीं है एक इंडिविजुअल की दूसरी इंडिविजुअल के साथ, ठीक है। यानी कि आप एक रिलीजन हो, आप मुस्लिम है तो दूसरा भी मुस्लिम है, इसका मतलब आपकी रिलेशन है, ठीक है, आप इंटीग्रेटेड हो। उसके अलावा ये क्या है? ये है बट आल्सो बिटवीन मेन, एक इंडिविजुअल एंड सम हायर पावर, एक इंडिविजुअल की रिलेशन किसके साथ? कोई हायर पावर है। हायर पावर मतलब जो इससे भी बड़ा है और उसके पास पावर है, सुपरनेचुरल पावर, अथॉरिटी है उसके पास। तो ये रिलेशन, रिलीजन किसके साथ आपकी डेवलप करता है? किसी सुपर पावर के साथ। जब आप किसी रिलीजन को मानते हैं, उसका मतलब आप उनके गॉड्स को मानते हैं, आप गॉड को मानते हैं, ठीक है, चाहे आप मोनोथिस्टिक है, पॉलिथिस्टिक मानते हैं, कोई भी थियोलॉजी मानते हैं, उसका मतलब क्या होता है? आपके ऊपर, आप मानते हैं कि आपके ऊपर एक सुपर पावर है जिसके साथ आपकी रिलेशन है, जिसको आप अपने क्वेश्चंस करते हो, जिसको आप अपने गम, पेशन, साइकोलॉजी सब कुछ बोलते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि वहां से आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनाता है?
रिलेशनशिप बनाता है। आया समझ में? इसीलिए अकबर ने कहा था, रिलीजन इज एन एटीट्यूड ये टुवर्ड सुपर ह्यूमन पावर। आपका एटीट्यूड कैसा है किसके रिलेटेड? एक सुपर ह्यूमन पावर जो है, एक सुपर पावर है जो इनविजिबल है, जिसको कोई नहीं देख सकता है, जिसको किसी ने नहीं देखता, उसके साथ आपका कैसा एटीट्यूड, उसी को हम बोल देंगे क्या, ये रिलीजन है। समझ आई बात? तो चलिए ये कुछ डेफिनेशन है जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि सुशाल जी में रिलीजन किसको बोलते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ रिलीजन क्या है? बेसिक कंपोनेंट्स ये हैं, बिलीफ इन सुपरनेचुरल फोर्सेस। पहले जब आप रिलीजन में एंटर हो जाओगे, ठीक है, तो रिलीजन में जब आप एंटर हो जाओगे तो उसका मतलब आप किस पे, पहले आपको किस पे बिलीव करना है कि सुपरनेचुरल फोर्स है, कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो इंसानों से ऊपर है, जो सुपरनेचुरल है, जो दुनिया को चलाता है, जो दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, वो एक सुपरनेचुरल पावर है जो सबको चलाता है। तो पहले आपको यही बिलीव करना पड़ेगा। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ बिलीफ, रिलीजन मैटर ही है बिलीफ का। इट इज बिलीफ इन सुपरनेचुरल और सुपर ह्यूमन फोर्सेस। सुपरनेचुरल है कुछ और सुपर ह्यूमन फोर्सेस है। सो सम पीपल बिलीव इन सेवरल काइंड ऑफ फोर्सेस, अलग अलग वारशिप देम, ठीक है, पॉलीथिस्टस, मोनोथिस्टस अलग अलग से करते हैं। पॉलीथिस्टस कहते हैं, पॉली मीन्स बहुत सारे, मोनो, ठीक है, तो वो कहते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। कुछ कहते हैं नहीं, बहुत सारे फोर्सेस है तो बहुत सारे गॉड्स को मानते हैं। कुछ कहते हैं नहीं, एक ही है तो वही सबको कंट्रोल करता है, तो एक ही को मानते हैं, ठीक है। लेकिन सब रिलीजन में आपको बिलीव मिलेगा कि वो पहले बिलीव करते हैं दैट समथिंग सुपर नेचुरल एग्जिस्ट। समझ आई बात? मैनेज एडजस्टमेंट विद द सुपर नेचुरल फोर्स। जब आप इस पर बिलीव करते हैं तो इसका मतलब आपका क्या होता है, आपकी उसके साथ एडजस्टमेंट होती है। किसके साथ एडजस्टमेंट होती है? सुपर नेचुरल के पास, सुपर नेचुरल फोर्स के साथ आपकी एडजस्टमेंट होती है। फिर आप खुद को एडजस्ट करते हो और उसको हम बोलते हैं, मैन बिलीव्स दैट हिज डिसरेस्पेक्ट एंड नेग्लिजेंस टू देम ब्रिंग्स द डिजास्टर। फिर आप ये कहते हो कि हमें उसके साथ एडजस्टेड रहना है, मतलब वो जो कहेगा व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, वट इज गुड एंड डिजायरेबल, वो आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ डिजास्टर होगा। डिजास्टर मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगी, ये हर कोई रिलीजन आपको बताएगा। सो एंगेज्ड इन एंडलेस एंड्योर एडजस्ट हिमसेल्फ विद द जो डिवाइनिटी है, जो सुपर नेचुरल है, तो मैन उसके साथ कोशिश करता है एडजस्ट होने की। समझ आई बात? देन एक्ट्स डिफाइन एज राइटस एंड सिंफुल, ठीक है, और सेक्रेड आर पूर्ण। उसके साथ साथ रिलीजन फिर क्या करता है, आपको बताता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज सिंफुल एंड व्हाट इज गुड, ठीक है, कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीज, अगर आपने ये किया तो आपने गुनाह किया, आप सिंफुल हो गए, ठीक है, कौन सी चीजें सेक्रेड है, कौन सी चीजें प्रोफेन है, ये भी आपको रिलीजन बताता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेवन एंड हेल आर, जो हेवन और हेल का कंसेप्ट देती है, अच्छे काम करोगे तो आपको हेवन मिलेगा, बुरे काम करोगे तो हेल मिलेगा, तो ये भी आपको कौन बताता है, रिलीजन बताता है, ये डिफाइन करता है आपको राइटस, सिंफुल, सेक्रेट और प्रोफेन क्या है। सम मेथड्स आर सेलिब्रेशन, ये आपको पता है, हर किसी मजहब में सेलिब्रेशन के मेथड्स होते हैं अलग अलग से, ठीक है। चलिए सॉरी, तो उसके साथ साथ आपको याद रखना है रिलीजन एज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ्स। रिलीजन जो है ये एक सिस्टम है बिलीफ्स का, इसमें बहुत सारे सिस्टम, मतलब जब हम किसी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं उनको, फिर वो जब साथ में काम करते हैं, हम कहते हैं मशीन इंजन एक सिस्टम है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स है, वो सब काम करते हैं तो वो सिस्टम बनता है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जो काम करता है, जब वो सब पार्ट्स काम करते हैं तो सिस्टम चलता है हमारी बॉडी का। तो पार्ट जब वर्क करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर तो वही सिस्टम बनता है। तो रिलीजन भी एक क्या है, सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, जिसमें बिलीफ्स हैं, पहले गॉड एग्जिस्ट करता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिसेस है, प्रैक्टिसेस के बाद उसके उनके अपने अपने सिंबल्स होते हैं, घर होते हैं जहां वो ये करते हैं, इबादत करते हैं, ठीक है, बुक्स होते हैं जिनको वो रीड करते हैं, जिनको वो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो ये सब चीजें जब काम करती है सोसाइटी में तो हम क्या बोलते हैं, रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स। समझ आया? इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन याद रखने की जरूरत है, ये उतना इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। रिलीजन एज अ सिस्टम ऑफ रिचुअल्स, ये सिस्टम ऑफ रिचुअल्स भी हैं, तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं इसमें। अगर आप देखेंगे हर किसी रिलीजन में अपने अपने रिचुअल्स हैं, चाहे किसी की बर्थ होती है उस टाइम पे रिचुअल्स होते हैं,
कोई अच्छा काम वो रिचुअल्स करते हैं, मैरिज होती है अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, डेथ होती है किसकी अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, किसी को क्या करना है, किसी को कुछ भी काम करना है तो उनके अपने अपने रिचुअल्स। तो हर किसी सिस्टम में, रिलीजन में एज अ सिस्टम आप रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए अब हम समझते हैं सैक्रेड एंड प्रोफेन का कंसेप्ट, ये याद रखना। तो सैक्रेड एंड प्रोफेन का मतलब ये होता है, सैक्रेड वो चीजें होती हैं जो उनका रिलीजन के साथ टच है, मतलब जिनको आप टच नहीं कर सकते विदाउट रेस्पेक्ट, यानी विदाउट, जैसे आप आम चीजों को, फोन को टच कर सकते हैं, किसी नोटबुक को टच कर सकते हैं, इस तरह से रिलीजन की बुक को आप बिना ऐसे टच नहीं कर सकते जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप क्लियर है, आपकी बॉडी प्योर है, ठीक है। तो उनको, उन चीजों को हम बोलते हैं सैक्रेड चीजें, जैसे मस्जिद, टेक्स्ट बुक्स, मंदिर, ये सभी रिलीजन में क्या होती है, सैक्रेड चीजें होती है, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। प्रोफेन मतलब एनीथिंग ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी चीजें दुनिया में उनको क्या बोला जाता है, उनको बोलते हैं प्रोफेन, ठीक है, ये याद रखना। ये दुर्खियम का कंसेप्ट है, भूल मत जाना, फिर बाद में मत बताना सर आपने नहीं बताया था, क्या पता ये कहां से क्वेश्चन डाल दे। अब रह गया आपका सिग्निफिकेंस, वो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या समझेंगे, उससे पहले हम थ्योरीज को समझेंगे, सोशियोलॉजी में जो रिलीजन की थ्योरीज है उनको समझेंगे, जैसे थ्योरी ऑफ एनिमिज्म है, पहले हम एनिमिज्म को समझेंगे। इन थ्योरीज ने कोशिश की है कि ये बताने की कि रिलीजन कैसे आया, इंसानों ने कैसे रिलीजन सीखा। जैसे हम सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव में समझते हैं कि अर्ली मैन जो था, इसका एवोल्यूशन हो गया धीरे धीरे, इसने चीजों को धीरे धीरे सीखा, तो पहले ये कुछ नहीं जानता था, ठीक है, हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते हैं ना सोशल साइंस में, कि रिलीजन में बोलता है कि सब कुछ उसको किसने सिखाया, बुक्स ने सिखाया, गॉड ने उसको गाइड किया। हम सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से ये समझते हैं कि इंडिविजुअल जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने चीजों को धीरे धीरे समझा, आग जलाना सीखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने हंटिंग गैदरिंग सीखी, खाना खाया, उससे चेंजेस आए उनके बॉडी में, फिर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो गया, तो धीरे 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 एवोल्यूशन हो गया एक इंडिविजुअल की लाइफ में। जिस तरह से एक बच्चे का होता है, वो धीरे धीरे लैंग्वेज सीखता है, खाना सीखता है, ठीक है, फिर पढ़ना, तो धीरे धीरे वो सीखता है चीज़ों को, फिर वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी हमारे पास आती है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने कोशिश की कि रिलीजन पहले इंडिविजुअल ने कैसे रिलीजन को देखा, रिलीजन का कंसेप्ट कैसे आया, तो इसी तरह से इन्होंने भी देखा, चलिए उसको समझते हैं हम फिर। तो जो एनिमिज्म की थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ एनिमिज्म इज द वर्क ऑफ ईबी टेलर, पहले ये याद रखना है, ये ईबी टेलर का काम है, एंड मे बी डिफाइंड इन हिज प्रिमिटिव बुक, सॉरी, एंड मे बी डिफाइंड, इसने इसको बुक, इसको डिफाइन किया है एनिमिज्म थ्योरी को अपनी बुक प्रिमिटिव कल्चर में, ये याद रखना। ये कभी भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ईबी टेलर जो है उसकी बुक कौन सी है, क्योंकि उसने कल्चर पे सबसे ज्यादा काम किया है ईबी टेलर, इसकी कल्चर की डेफिनेशन मोस्ट ऑथेंटिक मानी जाती है। तो ये प्रिमिटिव कल्चर में कहता है, इसने जो बुक लिखी है इसमें इसने कहा 1871 में, और इस एनिमिज्म थ्योरी को कौन कौन सपोर्ट करते हैं, सर जॉन लुबॉक एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी इसको सपोर्ट करते हैं, टू कुड बी कंसिडर एज द अदर चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर क्या कहता है, कहता है एनिमिज्म इज एसेंशियली अ बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ डेथ, एसेंशियली वर्ड वो यूज करता है, वो कहता है एनिमिज्म का क्या बिलीफ है एसेंशियली, कि इन द स्पिरिट, स्पिरिट जिसको हम रूह बोलते हैं, ऑफ द डेड, वो कहता है कि हर किसी चीज में एक स्पिरिट होती है, जो भी मरता है उसकी बॉडी में एक स्पिरिट होती है, जो भी जिंदा है उनके बॉडी में भी एक स्पिरिट है, यानी कि एनिमिज्म हमें बोलता है दुनिया के हर किसी चीज में क्या है, एक रूह है, एक स्पिरिट है, ठीक है। ये आइडिया इनको कैसे आया, ये इन्होंने कैसे सीखा, ये खुद बताएगा हमें कौन, टेलर। टेलर आर्ग्यूड दैट अर्ली मैन हैड अ नीड टू एक्सप्लेन ड्रीम्स, अर्ली मैन जो था उसको ये चीज एक्सप्लेन करनी थी, जब वो ड्रीम्स देखता था तो वो ड्रीम्स में कुछ भी चीजें देखता था, जो उसके बाप दादा थे वो मर गए, ठीक है, जो उसके क्लोज में थे उनकी डेथ हो गई, तो उनको ख्वाब, उनको ड्रीम्स में देखता था, ख्वाबों में देखता था, शैडो को डिफाइन करना था, हेलोसिनेशन, स्लीप एंड डेथ, इन चीज़ों को उसको डिफाइन करना था, वो इन चीज़ों को कैसे समझता, द नीड टू अंडरस्टैंड सच फिनामिना, इस फिनामिना को समझने के लिए लीड टू द बिलीफ, ये ही चीज़ इसको कहाँ लेके गई, इसने बिलीव किया, बताया, भरोसा किया इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, इसने कहा सोल एग्जिस्ट करता है, जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, जिसको हम रूह बोलते हैं, आर ए इनडिवेलिंग पर्सनैलिटी,
इसने कहा कि हर किसी चीज में क्या होती है, एक सोल होता है, एक स्प्रिट होती है जो उसके अंदर रहती है। आई बात समझ में? तो पहले इसने ये कहा। सो फिर इसने कहा, एनिमिज्म इज अ बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम सुपर फिजिकल बीइंग विद द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। ये बिलीफ है एग्जिस्टेंस ऑफ सम सुपर फिजिकल बीइंग, कुछ चीज है, कोई चीज है जो फिजिकल है, सुपर फिजिकल है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर होती है, फॉर एवरी लिविंग बींग, हर किसी जिंदा के, जो भी जिंदा है उसके अंदर वो चीज रहती है, ठीक है, जो हमने सोल कहा, जो हमने स्प्रिट कहा। दिस सुपर नेचुरल बींग सर्वाइव्स इवन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ फिजिकल बॉडी। लेकिन ये सुपर नेचुरल जो चीज कुछ है, सुपर नेचुरल मतलब ये इसके पास कुछ पावर है जिसको इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसको इंडिविजुअल रोक नहीं सकता है, ये सुपर नेचुरल है। आई बात समझ? सुपर नेचुरल है, सुपर है लेकिन नेचुरल है, ये बाय नेचर है, इसको हमने नहीं क्रिएट किया था, बाय नेचर है, लेकिन सुपर है, इंडिविजुअल से बड़ा है। सर्वाइवज इवन आफ्टर, ये चीज जो है, ये जो ये रूह है जो सुपर नेचुरल है, ये जिंदा रहती है इवन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ बॉडी, जब बॉडी खत्म भी होती है लेकिन ये चीज जिंदा रहती है। क्यों, कैसे, देखिए, इन विच इज कंटेनर, जिसमें ये रहती है, आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, जब एक पर्सन मरता है, दिस इज कॉल्ड द सुपर नेचुरल बींग, इसको बोला था सुपर नेचुरल बींग, इज फ्रीड फ्रॉम द फिजिकल लिमिटेशन। जब एक इंडिविजुअल मर जाता है तो ये रूह क्या हो जाती है, ये फ्री हो जाती है फिजिकल लिमिटेशन से। फिजिकल लिमिटेशन मतलब आप ये कहीं भी जा सकती है, आप इसको कोई लिमिटेशन नहीं है, कैन वंडर एनीवेयर, ये कहीं भी जा सकती है विदाउट बींग रिस्ट्रिक्टेड बाय द टाइम एंड स्पेस। ना इसको टाइम रोक सकता है, ना इसको स्पेस रोक सकता है। तो आई बात समझ में? तो अपने ड्रीम्स को एक्सप्लेन करने के लिए, हेलोसिनेशन, स्लीप, डेथ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या कहा, टेलर ने कहा कि अर्ली मैन को यह आइडिया आया कि हर किसी चीज में जब वो काबू में देखता था, वो कहता था जो भी लिविंग जिंदा है उनके अंदर एक स्पिरिट होती है, एक रूह होती है जो घूमती रहती है, और जो जिंदा रहती है, इवन जो सुपर नेचुरल है, सुपर इंसान से बड़ा है लेकिन नेचुरल है, वो जिंदा रहती है इवन आफ्टर जब बॉडी कोलैप्स होती है, जब बॉडी खत्म हो जाती है, और वो फ्री हो जाती है, वो कहीं भी घूम सकती है फिर। ठीक है, समझ आया यहां तक? टेलर कंसिडर्ड द बिलीफ इन स्प्रिट और इनविजिबल सोल। तो टेलर ने कहा धीरे धीरे इंडिविजुअल्स ने, जो ये अर्ली मैन थे, इनको बिलीफ हो गया किस पे, स्प्रिट पे और इनविजिबल सोल पे। इन्होंने कहा एक चीज है जो सोल, जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है, आर सेल्फ भी इन्होंने इसको बोला, एज ऑलमोस्ट एन इनविटेबल रिजल्ट ऑफ द यूनिवर्सल फिनोमेना ऑफ द ड्रीम्स। आई समझ में? तो ये जो ये ड्रीम्स देखते थे, तो धीरे धीरे इन्होंने कहा हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है। वेरी कॉमनली द व्यू इज हेल्ड द स्प्रिट विजिट्स अ मैन इन स्लीप। फिर उन्होंने कहा ये स्प्रिट जो है ये विजिट करती है एक इंडिविजुअल को, कब, जब वो सोया होता है, दैट टू व्हेन ही इज एक्सपीरियंसिंग ड्रीम्स, जब वो क्या देखता है, ड्रीम्स देखता है। टेलर एसर्टेड दैट द प्रिमिटिव मैन कुड हार्डली एक्सप्लेन द ड्रीम। टेलर ने कहा जो अर्ली मैन था वो, उसको नॉलेज नहीं थी किसी चीज की भी, तो वो ड्रीम्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता था, इन विच ही हैड सर्टन एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, जिसमें वो एक्सपीरियंसेस करता था। ठीक है, तो उसने धीरे धीरे क्या किया, उसने बिलीव किस पे किया कि स्प्रिट एग्जिस्ट करती है। आई समझ में? सिंपल, चलो एग्जाम्पल से वो समझाते हैं। ओबद हिज ड्रीम ऑफ हंटिंग, जब कोई हंटिंग देखता है, एडवेंचर देखता है, विच रिजल्ट इज इन हिज टेकिंग प्लेस द हंटेड एनिमल, वो देखता है कि एक जानवर को मार रहा है, एंड एन्जॉय द फाइन डिनर, फिर वो खाना खा रहा है, डिनर कर रहा है, एन्जॉय कर रहा है। आफ्टर जब वो क्या करता है, आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम द स्लीप, जब वो उठ जाता है स्लीप से, ही फाउंड, उसको क्या लगा, इन रियलिटी दैट ही हैड नॉट लेफ्ट हिज केव। तो अर्ली मैन जब ये देखता था, ख्वाब देखता था, ड्रीम्स देखता था कि वो हंट कर रहा है, एक फाइन डिनर खा रहा है, लेकिन जब वो क्या उठ जाता था स्लीप से, तो वो वही केव, अपनी केव में होता था फिर। सो कुड, हाउ कुड ही एक्सप्लेन, वो कैसे एक्सप्लेन करता है इसको, ठीक है, दिस, इस चीज को एक्सप्लेन वो कैसे करता। सो द प्रिमिटिव मैन हैज बिलीव्ड इन द सुपर नेचुरल सेल्फ। तो प्रिमिटिव मैन को किस चीज पे बिलीव आया धीरे धीरे, उसने कहा कि सुपर नेचुरल सेल्फ एग्जिस्ट करता है, विच वॉज सेपरेबल फ्रॉम हिज बॉडी, जो अलग निकलता है बॉडी के सेल्फ से, एंड विच कुड लीड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। सो व्हेन वंस ही गॉट दिस आइडिया, जब उसको ये आइडिया आया, ही ग्रेजुअली स्टार्टेड एग्जिस्टिंग,
सॉरी एक्सटेंडिंग द सेम टू रिगार्ड द अदर एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। आप देखिए एनिमेट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आज के बाद याद रखेंगे जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसने कहा, जब धीरे धीरे उसको ये आइडिया आया, उसने कहा जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर में, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ट्रीज, उसने कहा इनमें भी ये चीज़ होती है, ठीक है। एंड इनएनिमेट, इनएनिमेट मतलब जो जिंदा है, ठीक है। इनएनिमेट एंड पोसेसिंग, सॉरी पोसेसिंग या सेपरेट, इनके पास एक सेपरेट होती है। इन दिस वे द प्रिमिटिव मैन वाज लीड टू एनिमिनिज्म। तो इस तरीके से अर्ली मैन के पास क्या आइडिया आया, एनिमिनिज्म, और उन्होंने धीरे धीरे क्या प्रैक्टिस स्टार्ट किया, एनिमिनिज्म। एनिमिनिज्म मतलब अब वो समझते हैं हर किसी चीज के अंदर क्या होती है, स्पिरिट होती है, रूह होती है, सोल होती है। तो उन चीजों को वो क्या करने लगे, उन चीजों को वो जैसे उनकी प्रैक्टिसेस करने लगे, उन पे प्रायर्स करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। तो इस तरह से क्या डेवलप हो गया, एनिमिनिज्म, ठीक है। सो फिर क्या कहते हैं टेलर, टेलर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनिमिनिज्म लाइज एट द वेरी बेस ऑफ रिलीजन। ये कहते हैं पहली बेस जो रिलीजन की है वो एनिमिनिज्म ही था। पहला रिलीजन दो इंडिविजुअल्स ने सीखा वो एनिमिनिज्म ही था। तो अर्ली मैन को पहला रिलीजन कौन सा था, एनिमिनिज्म। किसके मुताबिक, ई बी टेलर के मुताबिक, याद रखना। और हर्बर्ट स्पेंसर और सन जॉन लुब्बॉक, ठीक है। चलिए तो ये हो गया एनिमिनिज्म। इसके बाद स्पेंसर का आइडिया है, उसको छोड़िए, उसको हम नहीं समझेंगे, ये भी इसका सपोर्टर था, ठीक है। फिर समझते हैं टोटमिज्म को, टोटमिज्म, टोटम। देखिए अब टोटमिज्म को हम कैसे समझेंगे, अगर हम डिक्शनरीज में देखेंगे, अगर हम डिफिनीशंस में देखेंगे तो अलग अलग से डिफिनीशंस हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक ही डिफिनीशन में समझाऊंगा। टोटमिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ फिटिशियसिज्म। फिटिशियसिज्म आपको पता है किसमें हमने पढ़ा था, अगस्त कोर्ट के स्टेजेस में पढ़ा था, जब हमने थियोलॉजिकल स्टेज पढ़ा, फिर पढ़ा हमने मेटाफिजिकल। थियोलॉजिकल स्टेज में हमने बताया तीन सब स्टेजेस हैं, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था फिटिशियसिज्म, ठीक है, पॉलीथिज्म, मोनोथियज्म, ठीक है। फिटिशियसिज्म मतलब क्या था, फिटिशियसिज्म का मतलब होता है जब वो हम बिलीव करते हैं रिलीजन जो था, लोग बिलीव किन चीज़ों पे करते थे, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे, कि इनमें क्या है, इनमें स्पिरिट्स है, बड़े बड़े ट्रीज, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टान यानी रिवर्स, इन सब में बिलीव करते थे। इनमें क्या था, फिटिशियसिज्म का मतलब क्या है, उन्हीं पे ही बिलीव करते थे, इनमें क्या है, रूह है, इनमें सोल है, ये है फिटिशियसिज्म। लेकिन हम कहते हैं टोटमिज्म इज एन एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है किसका, फिटिशियसिज्म का, ठीक है। तो टोटमिज्म क्या होता है, टोटम, देखिए टोटम और इज्म, दो वर्ड याद रखिए, टोटम और इज्म। इज्म का मतलब होता है कोई भी आइडियोलॉजी प्रैक्टिस करना, जैसे मैं आपको बताऊंगा सोशलिज्म, आप सोशलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। इज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, ये लोग क्या करते थे, ये टोटम इज्म को प्रैक्टिस करते थे। लेकिन हमें टोटम समझना है, टोटम क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल कंसेप्ट समझाता हूं टोटम क्या होता है। टोटम का मतलब होता है कुछ ट्राइब्स थे दुनिया में जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने कुछ ट्रीज रखे थे ऐसे, या प्लांट्स रखे थे, या कोई बड़ा पत्थर रखा था, या कोई अपने ट्राइब के, अपने ट्राइब का कोई सिंबल रखा था, कोई निशान रखा था। जैसे अगर आपने अर्थगल देखा तो काया ट्राइब का एक अलग से निशान होता है उनका, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग इस आइडेंटिटी को, ये एज ए आइडेंटिटी रहती थी इनकी अपनी ट्राइब की, ये इस ट्राइब की आइडेंटिटी है। जब आप इसको देखते थे तो समझ आता था ये वाले ये ट्राइब है, ये वाले ये वाले ये एज ए ट्राइब। लेकिन टोटम कभी कभी एक स्पेशल एनिमल भी होता था, तो इसको हम बोलते हैं टोटम, याद रखिएगा ये क्या है, टोटम। अब हम समझते हैं टोटमिज्म होता क्या है। चलिए, ए टोटम इज ए स्पीशीज ऑफ एनिमल, कोई जानवर, ठीक है, किसी जानवर की, प्लांट, कोई प्लांट, ठीक है, आर ए पार्ट ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल के कोई पार्ट है या प्लांट हो सकता है, आर नेचुरल ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें हैं, पत्थर हो सकता है, रिवर की निशानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, और अ फिनोमिना, कोई भी चीज या सिंबल ऑफ इनी दीज, या किसी चीज, इन चीजों में से किसी का निशान, सिंबल ऑफ इनी दीज विच सिग्निफाइज डिस्टिंग्विश फ्यूचर ऑफ ह्यूमन ग्रुप, जो आपको ये बताता था कि ये वाले जो हैं ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का। अगर आपको कोई इंडिविजुअल मिलेगा उसके पास ये टोटम होगा तो आपको पता चलेगा ये कौन सा ट्राइब है, जो डिस्टिंग्विश फीचर करता था एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करता था। सिमिलरली रिप्रेजेंट इन द सेम सोसाइटी, आई बात समझ में, इसको बोलते हैं हम टोटमिज्म। लेकिन 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 ये यही खत्म नहीं होता है। चलिए दुर्गेम भी, सबसे ज्यादा काम जो हमें सोशियोलॉजी में मिलता है, जो हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा दुर्गेम ने किया है। दुर्गेम फाउंड 460 ऑफ 500 टोटमिक नेम्स इन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
टू बी द नेम्स ऑफ या एनिमल्स के थे या प्लांट्स के थे, 14 वेर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के थे सच एज द मून के थे, सन के थे, स्टार्स के थे, सुमो के थे, वाटर के थे और फायर के थे। दुर्खियम क्या कहता है टोटमिज्म के बारे में? दुर्खियम कहता है ये ट्राइब्स जिन्होंने ये रखे थे ये अपने अपने टोटम्स, वो कहता है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस टोटम की क्या करते हैं, वारशिप करते हैं। सब एक साथ आते थे फिर इसकी इबादत करते थे, इसके इर्द गिर्द में ठीक है कुछ रखते थे उसकी इबादत करते थे। तो दुर्खियम कहता है जब ये लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, इसकी इबादत करते हैं, इसको पूजते हैं, इसके लिए प्रेयर्स करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टोटमिज्म। जब आप टोटम को आइडियोलॉजी को एज अ फॉलो करते हैं तो उसी को बोलते हैं टोटमिज्म, उन चीज को एज अ रिलीजन मानना, उनको एज अ गॉड मानना, उनको पूजना, उनकी प्रैक्टिसेस करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटमिज्म। समझ आया? दुर्खियम क्या कहते हैं, दुर्खियम एक कंसेप्ट कहते हैं कि जब ये लोग इस चीज की पूजा करते थे ये एक्चुअल में इस चीज की पूजा नहीं करते थे, ये एक्चुअल में सोसाइटी को पूजते थे। तो उसे बोला गया कैसे, उसने बोला ये सब लोग जब एक साथ आते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ इसकी क्या करते हैं, वारशिप करते हैं, सब लोग इसकी वारशिप करते हैं, कलेक्टिवली इसको मानते हैं, तो उससे क्या होता है, उनमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है। ये सब समझते हैं हम लोग एक ही ग्रुप है। समझ आई बात? जब ये कंसेप्ट इनके पास आता है तो इनके पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम सॉलिडेरिटी बोलते हैं, जो हमने क्या कहाँ पढ़ा था, डिविजन ऑफ लेबर में। सॉलिडेरिटी मतलब इनमें यकजहती डेवलप होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी सोसाइटी जो है वो ऑर्डर में रहती है, इन लोगों के कंफ्लिक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो वो कहता है एक्चुअली ये किसको पूछते हैं, सोसाइटी को पूछते हैं। ये कंसेप्ट भी याद रखना, ये भूल मत जाना। तो ये हो गया टोटमिज्म। इसमें ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है, ये टोटमिज्म आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद फियर थ्योरी है, ये हमें नहीं पढ़नी है। देन कम्स फंक्शन ऑफ द रिलीजन, जो सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलीजन है, ठीक है, जिसको हम सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन की क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है रिलीजन की, चलो देखते हैं। देखिए पहला, रिलीजन प्रोवाइड इज अ रिलीजियस एक्सपीरियंस। रिलीजन प्रोवाइड इज अ रिलीजन एक्सपीरियंस, मतलब दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ रिलीजन। प्रायर्स वारशिप मेडिटेशन आर द समरी ऑफ रिलीजन एक्सपीरियंस। जब आप रिलीजन आपको क्या करता है, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, कौन से एक्सपीरियंसेस, जब आप प्रायर्स करते हैं, वारशिप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको रिलीजियस एक्सपीरियंसेस होते हैं। थ्रू दीज मीन्स मैन एक्सप्रेस ए रिवेंस ग्रेटिट्यूड, ठीक है। उससे क्या होता है, जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आप अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन, आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो किससे आप शेयर करते हैं, वो आप गॉड से शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपको मेंटल पीस मिलता है, ठीक है, मेंटल पीस आपको रेस्टोर होता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं, जब आप डिवाइन प्रायर्स पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी रिचुअल करते हैं, उससे आपका क्या होता है, उससे आपको सोशियबिलिटी, क्रिएटिवनेस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है आपके रिलीजियस प्रैक्टिस करने से, ठीक है। रिलीजन प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है। कैसे, जैसे अगर आप देखोगे अपनी सोसाइटी में, एग्जांपल से समझोगे, कुछ लोगों के पास बहुत सारी इकोनॉमी होती है लेकिन वो रिलीजन को नहीं मानते हैं, रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनमें क्या होती है, उनमें वो उतने सेटिस्फाइड आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं जो रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उनके पास जो इकोनॉमिक एसेट्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं, लेकिन उनके यहाँ पीस, ऑर्डर, अच्छी चीज़ें, अच्छा डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि रिलीजन उनको सिखाता है कि आप बहुत कम चीज़ों पे भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। बात आई समझ? तो ये आपको माइंड पीस देता है। दूसरा, तीसरा इसकी ये क्वालिटी, अगर आपको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे आप पढ़ोगे, फिर आगे आप पढ़ोगे फेयर थ्योरी में, आप पढ़ोगे जैसे कि वो कुछ सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जब किसी की डेथ होती है तो रिलीजन आपको क्या करता है, ये आपको माइंड पीस देता है, दिमागी पीस आपको हासिल होता है, ठीक है। रिलीजन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल द मोस्ट डिजायर्ड पीस ऑफ माइंड, ठीक है, एट एवरी क्राइसिस। हर कोई क्राइसिस जब उसको होती है, कोई बीमारी होती है, तो रिलीजन उसको एज ए बैकअप सपोर्ट करता है कि ये चीज़ें नहीं रहेंगे, ये चीज़ें आपको बाय गॉड है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्राइसिस या किसी की डेथ होती है, जब वो कुछ रिचुअल्स करता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया देते हैं, बैक करते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको पीस ऑफ द माइंड क्रिएट करता है, कौन, रिलीजन। रिलीजन प्रमोट सोशल सॉलिडेरिटी, यूनिटी, और रिलीजन क्या करता है, ये सॉलिडेरिटी क्रिएट करता है,
यूनिटी जो हमने टोटमिज्म में पढ़ा, क्या आप मुस्लिम हैं तो पूरे वर्ल्ड मुस्लिम, के साथ हिंदू है तो आपका हिंदू जो एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये सॉलिडेरिटी आपको क्रिएट करता है, यूनिटी क्रिएट करता है और आइडेंटिटी आपको देता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर आप देखोगे रिलीजन कंजर्व द वैल्यू ऑफ लाइफ, जो वैल्यूज ऑफ लाइफ होते हैं, व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल, वो आपको कौन बताता है, वो रिलीजन आपको बताता है। और दूसरी बात भी याद रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सोसाइटी में दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। फॉर्मल होते हैं लॉज जो गवर्नमेंट बनाते हैं, इनफॉर्मल होते हैं जिसमें मोरस लॉ नॉर्म्स वैल्यूज मोरस फोकस कस्टम्स ट्रेडिशंस बिलीफ्स प्रैक्टिसेस ये सब आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन इंडिविजुअल पे इन्फ्लुएंस करता है कंट्रोल करने में, तो इनफॉर्मल, इनफॉर्मल के अंडर भी रिलीजन आता है, ठीक है। तो सोसाइट सोशल जस्टिस के मुताबिक सोशल जस्टिस कहते हैं कि इंडिविजुअल को सबसे ज़्यादा नॉन फॉर्मल चीज़ें कंट्रोल करती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू फॉर्मल, ठीक है, इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो कंजर्व द वैल्यू ऑफ लाइफ, ये आपको बताता है आपकी लाइफ को कंजर्व करता है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, वेयर टू डू, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। तो ये आपको क्या करता है, आपकी लाइफ को कंजर्व, वैल्यूज को कंजर्व करता है, मॉरल वैल्यूज को। रिलीजन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, रिलीजन एजेंट ऑफ सोशल चेंज भी बनता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो बहुत सारी चीजों में फंसे होंगे, ड्रग्स करप्शन किसी और में, लेकिन एक टाइम पे उनकी कभी कभी किसी के साथ मुलाकात होती है या किसी को वो सुन लेते हैं तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो रिलीजन एज अ फोर्स ऑफ सोशल चेंज। ब्रॉडर लेवल पे अगर इंडिविजुअल लेवल से बाहर निकलोगे तो वर्ल्ड लेवल पे देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ चेंज आई है रिलीजन की वजह से, जो मैक्स वेबर कहता है, इरानियन रेवोल्यूशन की एग्जाम्पल देता है, उससे के बाद वो क्या कहता है अफगानिस्तान की चेंज, वो एग्जाम्पल देता है। तो रिलीजन सोशल चेंज भी लाता है, ठीक है। Then here comes another, that is religion functions, sorry, priestly function of the religion, ठीक है। तो ये आपको by performing priestly function of the religion contributes to the stability order, ये order को भी control करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से crime control रहता है तो order maintain रहता है society में। Religion promotes welfare, ये welfare भी promote करता है, ठीक है। Religion की basis पे आप कभी किसी का रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन, कभी कोई बीमार होता है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे बहुत सिखिज्म में है, ठीक है, फ्री फूड दिया जाता है, कोई बड़ा बड़ी चीज़ होती है तो उस टाइम, जैसे इस्लाम में ज़कात का कंसेप्ट है, ठीक है, ट्रस्ट्स क्रिएट किए जाते हैं जिन जो गरीबों में बांटे जाते हैं, तो ये वेलफेयर का काम भी करते हैं, ठीक है। रिलीजन प्रोवाइड्स रीइनकॉर्नेशन, ठीक है। तो दोबारा से आपको पता है आपका कर्मा जो हिंदुइज्म में कंसेप्ट है, तो आपको दोबारा से पैदा होना है, ठीक है। रिलीजन एक्सप्लेन्स द इंडिविजुअल सफरिंग्स एंड हेल्प टू इंटीग्रेट पर्सनैलिटी, ये आपके सफरिंग उसको कम करता है, उसके साथ साथ आप क्या और क्या करता है, हेल्प अस टू इंटीग्रेट पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को इंटीग्रेट करता है सोसाइटी के साथ, आपको एलिनेशन से बचाता है, सुसाइड से बचाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज से बचाता है, ठीक है। तो ये वो फंक्शंस हैं रिलीजन के जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन दिखते नहीं है, इसको हम सोशियोलॉजी में बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। लेटेंट आपको दिखती है, मैनिफेस्ट फंक्शन वो चीज जो आपको नहीं दिखती है लेकिन वो होती है सोसाइटी में, ठीक है। बर्टन का कंसेप्ट है ये, रिलीजन एनहेंसेस सेल्फ इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंस फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन है, ठीक है। इसके बाद वेट अ सेकेंड, चलिए अब हम समझते हैं जो लास्ट में आपको दी गई थी वो है थ्योरी ऑफ नेचुरिज्म, ठीक है। नेचुरिज्म थ्योरी क्या थी, ये मैक्स मिलर ने दी है, ये याद रखना पहले। ये सिंपल क्या कहती है, विच मीन्स फोर्सेस ऑफ नेचर पोजेस सुपर नेचुरल पावर, ये कहता है कि जो नेचर है उसके पास क्या है, सुपर नेचर पावर। यानी नेचुरिज्म किसको मानते हैं हम, नेचर को। ये लोग किसको मानते थे, नेचर को, कि नेचर के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल फोर्स है, ठीक है। He said naturalism was the oldest form of, इसने कहा नहीं naturalism ही oldest form of religion है, ठीक है, naturalism ही oldest form, he argued that naturalism कैसे बढ़ा, from man's experience of the nature, जब individuals ने early man ने nature को देखा, nature के चीज़ों को देखा, तो उसने कहा nature ही एक supernatural power है, उसी को उसने believe किया कि ये ही religion है, वो ही पहला religion था। कौन कहते हैं, Max Miller। अच्छा कहाँ पहुँचे हम, नेचरिज्म कैसे हुआ, मैनस एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, इन पर्टिकुलर द इम्पैक्ट ऑफ नेचर अपॉन द मैनस इमोशंस, इमोशंस जो इंसान के इमोशंस, उस पर किसका असर पड़ा, उस पर नेचर का इम्पैक्ट पड़ा। मैन
personified nature, इसने personify किया nature को, the forces of wind became the spirit of wind. तो उसने कहा wind जो है इसके अंदर भी क्या है, became the spirit of wind. ये force of wind जो है, जो power है wind का, ये ही है spirit of wind का. The power of sun becomes the spirit of sun. जो power है sun के पास, यानी कि light, temperature create करना, ये इसके पास spirit है, इसके पास रूह है, etc. So animism क्या हो, sorry, animism seeks origin of religion in a man's intellectual needs. Animism ने कहा religion origin, जो religion origin हो गया उसकी वजह क्या थी, intellectual needs, यानी mental needs, क्योंकि जो mental में उसके questions थे dreams के related, जो हमने अभी पहले पढ़ा, किसकी थ्योरी थी, ईवी टेलर की, हर्बर्ट स्पेंसर की. तो उसने उसके अंदर जो क्वेश्चंस पड़े शेडो के, हेलोसिनेशन, स्लीप, ड्रीम्स के, तो उन क्वेश्चंस को उसने मेंटली आंसर किया. तो वो आंसर किस पे, एनिमिज्म थ्योरी किस पे बिलीव करते हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स पे. लेकिन नेचरिज्म सीक्स, नेचरिज्म ने सीख किया इन इट इज इमोशनल नीड्स, जो इंसान के इमोशनल नीड्स थे उनको आंसर किसने किया, नेचर ने किया. तो उसने इंडिविजुअल ने, अर्ली मैन ने किस पे बिलीव किया, नेचर ही क्या है, ये ही रिलीजन है. तो उसने उसी पे बिलीव किया कि ये ही रिलीजन है, इसमें सेपरेटस एग्जिस्ट करते हैं, विंड में भी सेपरेटस है, आपका जो सन की लाइट है उसमें भी है, पावर नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें है. तो उसने किस पे बिलीव किया, नेचरिज्म. ये नेचरिज्म है, ये भी याद रखना, ठीक है. तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है. रिलीजन का जो मेन पोर्शन था वो खत्म हो गया. अब इसमें रह गया रिलीजन डाइवर्सिटी एंड सेक्युलरिज्म, उन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे. और आपका रह गया इस्लामाइजेशन एंड तुर्कियम, वो भी शाम तक अपडेट हो जाएंगे. ओके, थैंक्स. बस यही गुजारिश है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ. जो बच्चे पेड बैचेस नहीं ले सकते हैं किसी भी प्लेटफार्म पे, बायजूस पे या कोई और एप्लीकेशन है, कोई और प्लेटफार्म है जहाँ पैसे देने हैं, वहाँ बच्चे नहीं ले सकते हैं या कोई टीचर उनको पढ़ाता है उसके लिए, तो इस चैनल का मकसद ही यही है. जो सबाल्टर्न है, जो लोअर सेक्शंस हैं, जो पैसों की वजह से, खाली कैपिटल की वजह से पीछे रह जाते हैं, इस चैनल का वही मकसद है, उनको नॉलेज देना, ठीक है. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. तो प्लीज़ चैनल को शेयर.